नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश भर में लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी। 1 जून को 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को यह तय हो जाएगा कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में रहने वाला है। चुनाव की घोषणा होते ही सबने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा, जबकि पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा उछाल दिया। अब सवाल है कि एनडीए जिस 400 पार की बात कर रहा है वो जमीन पर कितना मजबूत है। देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने 436 सीट पर लड़ा था और 303 सीट जीत गई थी। अब अगर लोकसभा की 543 सीटों की बात करें तो एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आता है। वो आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए हम कुल 543 सीटों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा 100 सीटों का है, जहां अभी के हालात में बीजेपी के लिए जीत करीब करीब नामुमकिन है। 200 सीट ऐसी है जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है और जहां बीजेपी की कांग्रेस से सीधी टक्कर होती है, वहां बीजेपी फायदे में रहती है। यह हम आपको आगे आंकड़ों में भी दिखाएंगे। और तीसरी कैटेगरी बाकी बची उन 243 सीटों की है जहां बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों के साथ होता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश भर की 543 में से उन 100 सीटों का हाल जहां बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल जीत दिखाई दे रही है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 3 सीट जीती थी, लेकिन 2019 में उन्हें भी गवा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन 100 सीटों पर सिर्फ 7.3% वोट और 3 सीट मिली थी। कांग्रेस को 14.7% वोट और 13 सीट मिली थी, जबकि अन्य ने 78% वोट और 84 सीट हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 100 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर घटकर 5.8% रह गया। सीट 3 से घटकर 0 हो गई। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 19% हो गया। सीट 13 से बढ़कर 33 हो गई, जबकि अन्य का वोट शेयर घटकर 75.2% हो गया और सीट 84 से घटकर 76 हो गई। इन 100 सीटों पर बीजेपी अगर अपना वोट शेयर 3 गुना भी बढ़ा ले तब भी उसे यहां से सीटों का फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। मतलब पिछले चुनाव में मिले 303 सीट को 370 तक पहुंचाने की यहां से कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। हमने आपको ग्रुप 1 में 100 सीट दिखाई जहां से बीजेपी का जीतना करीब करीब नामुमकिन है। सवाल है कि 2024 के चुनाव में इन सीटों पर क्या होगा। हम आपको एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल दिखाते हैं, उससे तस्वीर और साफ होगी। बीजेपी इन सीटों पर 15.2% वोट शेयर के साथ 0 पर दिखाई दे रही है, यानी इस बार भी इन 100 सीटों पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस 20.8% वोट के साथ 47 सीट पाती हुई दिख रही है, जबकि अन्य 64% वोट के साथ 53 सीट उनको मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा। और एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।